One last question, Shah Rukh Khan, if you can spare your 3 AM friend for a few minutes, because he's been for the last 20 days attending to all questions in the State Assembly as well. One question to you, since I started that with you. Other than cinema, if there is one space would you like to devote to the city of Mumbai, what would that space be? Mine personally would be education. That's why I asked that question, because mujhe bachpan se mujhe teachers bahut acche lagte hain aur main actor se zyada teacher khud banna chah raha tha aur ab mujhe aisa lagta hai ki mujhe mauka mila hai at least mere field mein main aisa kuch create kar sakta hu jisse naujawan bacche, because you know, with social media, media itself has become a larger platform than it was just with television and films, whether it was Indian films or even international television. I think social media is making everybody media savvy. Aur mujhe aisa lagta hai ki hamare paas abhi bhi video literacy kam hai. Hum jo log hain, when I say video literacy, I'll explain it for a minute. Hum log jo hain bol bachchan wale hain. Hamara jo culture hai baat karne wala hai. Hum music sunne wale hain. Hamare desh mein jitne bhi log hain, hum baatcheet bahut karte hain. Lekin visual medium jo hai, usko hum kam dhyan dete hain. हम बहुत खूबसूरत पोएट्स भी होते हैं, हमारे सिंगर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं, एंड आई एम श्योर आर्टिस्ट भी हैं, बट विजुअल मीडियम इतनी तेज़ बढ़ रहा है दुनिया के अंदर. फॉर एग्जांपल, पहले हम जब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनते थे तो इमेजिन करते थे कैसा सब कुछ होगा, या डैफोडिल सुनते थे, अब सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है. एंड आई थिंक वो सब चीज़ों को समझने और गलत चीज़ों को उस समझ से अलग हटाने के लिए वीडियो लिटरेसी बहुत ज़रूरी है. सो बिकॉज वो मेरा मीडियम है, यू नो, मीडिया एंड वीडियो, सो आई फील अगर एजुकेटिव फील्ड के अंदर मैं कोई ऐसी चीज़ कर सकूँ तो मेरे को लगेगा मैं मुंबई को अपनी जो मुझे ज़िंदगी मुंबई ने दी है, जो आई थिंक दुनिया में सबसे बेहतरीन और खूबसूरत है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुंबई का, मुंबईकर्स का, आप सबका. बट मेरा दिल ये है कि मैं कुछ छोटा सा अगर कुछ कर सकूं तो एजुकेशन फील्ड में करना चाहूंगा. बच्चों के लिए अगर डिजिटल लाइब्रेरीज बनानी हो मुंबई शहर में तो उसका आप सहयोग? मोस्ट सर्टनली. और मेरा एक और है कि मैं आर्काइवल में मानता हूं कि चीज़ें आर्काइव होनी चाहिए, और मुंबई में इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारे पास है फिल्म डिवीजन है यहाँ पे, और मुझे मालूम है कुछ लोग अब कोशिश भी कर रहे हैं, बट मेरा बहुत शौक है कि मैं एक आर्काइवल सेंटर करूँ, एंड दैट आर्काइवल सेंटर कैन डेवलप फॉर डिजिटल कॉन्टेंट फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो. तो बच्चों का भी काम होगा, और जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं मुझे लगता है हम उन्हें घुमा देते हैं, क्योंकि फिल्म इज़ अ वेरी इम्परमनेंट मीडियम, बट नाउ विद ऑल द काइंड ऑफ डिजिटल स्टफ वी हैव, आई थिंक वी कैन रिटेन इट, लर्न फ्रॉम इट. एंड आई पर्सनली बिलीव इंडिया, मुंबई, ऑल ऑफ अस हैव द बेस्ट स्टोरीज टू टेल. हमारे माँ बाप, ग्रैंड पेरेंट्स वो पुरानी जो कहानियाँ सुनाते थे, आई थिंक वी नीड टू कीप देम अलाइव. आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीमिक्सिंग अ सॉन्ग, it's about representing it again to the younger generation to tell them what our culture and where we came from. And I think our stories are going to be the best stories in the world, rather than stealing stories from here and there and putting it back. And I also want to just make one last point, sorry, is that, you know, when Fadnavis saab talks about the resilience of Mumbaikars, ki agar waqt thoda zyada lag raha hai to ek patience hai, patience se zyada ek resilience hai. हमारे हमारी सिटी में कई बार, वेदर इट्स बीन रेन्स, वेदर इट्स बीन ट्रैफिक जैम्स, वेदर इट्स बीन अदर काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग्स, प्रॉब्लम्स हुई हैं यहाँ पर, लेकिन मुंबई हैज़ ऑलवेज बीन रेजिलिएंट एंड हैज़ कम फोर्थ एंड स्टूड फोर्थ एंड फॉट एवरीथिंग ऑफ विद लव एंड काइंडनेस प्लस लॉट ऑफ गट्स. बट मुझे ऐसा लगता है कि द अदर थिंग वी शुड ऐड टू मुंबईकर इज़ द मैजिकल पार्ट ऑफ मुंबईकर. एक है रेजिलिएंट मुंबई है, एक है खूबसूरत मुंबई है, बट आई थिंक एक मैजिकल मुंबई बनाने की बहुत ज़रूरत है हमको. और मैं इसलिए कहूँगा उसके अंदर तीन सीज हैं सर, विच आई बिलीव शुड बी एनकरेज इन अ सिटी लाइक आवर्स, बिकॉज हम इतने डाइवर्स हैं. आई थिंक हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन कंपनीज, बिटवीन पीपल, बिटवीन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन मुंबई, कि हम कम्पीट करें एक दूसरे से, इवन गवर्नमेंट एजेंसीज टू कम्पीट विद ईच अदर, कि कौन बेहतर काम कर सकता है. सो आई थिंक हेल्दी कॉम्पिटिशन. द सेकेंड पार्ट इज क्रिएटिविटी. आई थिंक मुंबई इज़ अ हब ऑफ क्रिएटिविटी. हम कहते रहते हैं कि बिजनेस, मुंबई इज़ द सिटी ऑफ बिजनेस. आई थिंक इट इज़ अ सिटी ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि आजकल का जो मीडियम है वहाँ क्रिएटिव लोग बहुत अच्छा है, कि छोटे छोटे फंक्शंस, छोटी छोटी आर्ट गैलरीज में सब कुछ होता है. बट आई थिंक द वर्ल्ड हैज़ बिकम लार्जर, एंड इफ इट हैज़ टू गो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट विल हैव टू टेक द डिजिटल रूट.
तो यहाँ पे क्रिएटिव हब हम क्रिएट करें कि जो भी क्रिएटिव आदमी है, सिर्फ फिल्मों में नहीं बट गायक हैं, पेंटर्स हैं, पोइट्स हैं, यहाँ पर आकर अपना एक फ्यूचर देख सकें, एक सोशल एनवायरनमेंट ऐसा हो. एंड थर्ड सीज कल्चरल इंक्लूसिवनेस, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इतने डाइवर्स हैं, हम एक दूसरे का किसी भी किस्म का झगड़ा, किसी किस्म का कल्चरल या रिलीजियस एस्पेक्ट जो है, वी शुड नेवर एवर क्वेश्चन. आई वुड लाइक एक्चुअली, इफ इट इज़ पॉसिबल, आई नो लेजिस्लेचर इज़ नॉट पॉसिबल, दैट एवरीबडी इन मुंबई शुड सेलिब्रेट एवरी रिलीजियस फेस्टिवल. नॉट दैट वी डोंट डू इट, वी ऑलरेडी डू इट, बट दैट शुड बी एन एस्पेक्ट कि हम सब लोग जो हैं, चाहे वो गणपति विसर्जन है, चाहे वो ईद है, चाहे वो होली है, चाहे वो दशहरा है, चाहे वो दिवाली है, विच एवर एस्पेक्ट है, चाहे गुरु नानक जयंती है, वी शुड ऑल कम टुगेदर एज अ सिटी एंड देर शुड बी एन एटीट्यूड दैट वी आर इंक्लूसिव अबाउट कल्चर्स. विल बी इंक्लूसिव अबाउट कल्चर्स, क्रिएटिविटी विल कम. इफ क्रिएटिविटी इज देयर, कॉम्पिटिशन विल कम. एंड इफ ऑल दीज थ्री सीज गेट फुलफिल, आई थिंक मुंबई इज विल बिकम इवन मोर मैजिकल देन इट इज राइट नाउ. Shah Rukh Khan, thank you so much. And Mr. Fadnavis, thank you very much. The Badshah of cinema and the Badshah of Maharashtra's governance, both of them. Thank you once again. Before you leave, you talked about the magic. So, us jadu ko agar aage badhate hain, fintech is one space where Maharashtra has done a lot. And there are 10 such companies, youngsters, startups, who've done remarkable work. And the Maharashtra government has awarded them for their fine work. We've got these 10 startup youngsters here. Can we quickly ask them to come up in the next 40 seconds? If you're not here, then the photo op is gone. Main suit pehne rakhun ki utar dun?